आज हम बनाने वाले हैं एकदम बहुत टेस्टी और नया नाश्ता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाने वाले हैं छोले और सोया बड़ी का एकदम टेस्टी और बिना फ्राई किए कम ऑयल में बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता, जिसे आप एक बार खा लेंगे फिर आप यही बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल छोले लिए थे जिन्हें मैंने भिगा दिया था और बॉईल कर लिया है, और एक बाउल सोया बड़ी ली थी, इन्हें भी मैंने भिगा लिया था और पानी से हटा लिया है। तो ये फूल कर तैयार हो गई हैं। तो हम एक मिक्सर जार लेंगे तो छोले और सोया बड़ी को दरदरा पीस कर तैयार करेंगे। यदि आपके पास आलू वगैरह हैं या आलू मिक्स करना चाहते हैं तो आप वो भी मिक्स कर सकते हैं। तो इन्हें हम इस तरह का मोटा मोटा पीस कर तैयार करेंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसके बाद हमने एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है, एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, एक चम्मच तिल ऐड किया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और एक चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। और यदि सौंफ वगैरह आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक चम्मच अजवाइन ऐड की है और एक चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसे बारीक कट कर लिया है, तो वो भी हम मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करके एक परफेक्ट सा हम इस तरह का मिक्स बनाकर तैयार करेंगे और इससे जब हम नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके बाद हमने दो आलू लिए थे बॉयल करके, तो वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और यहाँ पर हम एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बाउल सूजी ली है और उसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया है और 1 पिंच के लगभग काली मिर्ची पाउडर ऐड किया है और 2 से 3 चम्मच दही ऐड किया है। तो दही हमें ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, मीडियम ही लेंगे। इसके बाद आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच नमक ऐड किया है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और परफेक्ट बैटर तैयार करेंगे। इसे अच्छे से घोल लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे, क्योंकि जो सूजी वगैरह है वो फूल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। और इसके बाद यदि आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा मिक्स है इससे हम छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे, और इन्हें हमें फ्राई नहीं करना है तो हम बहुत ही छोटी सी बॉल्स बनाएंगे क्योंकि हम इन्हें अप्पे पैन में बनाएंगे। तो इस तरह की हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे और एक के बाद एक सारी ही बॉल्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे, और आप चाहें तो इन्हें आप गोल भी बना सकते हैं और लंबे लंबे आकार में भी बना सकते हैं। तो जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह का शेप भी आप दे सकते हैं। तो आप गोल भी बना सकते हैं और इस तरह का शेप भी दे सकते हैं, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जैसे भी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। तो इन्हें हम बना कर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने जो घोल लिया है उसमें इन्हें कोट करेंगे। तो इस तरह का हमें घोल बना कर तैयार करना है। तो आप सूजी की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घोल बन के तैयार है। इसमें हमने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया है, जिससे कि ये जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे ही क्रिस्पी बॉल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो इन्हें हम कोट करते जाएंगे, और इन्हें और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हमने लिया है ब्रेड क्रम्स, जिसे ब्रेड को पीस कर तैयार किया जाता है। तो ब्रेड को मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे और इस तरह से इन्हें कोट करेंगे। तो एकदम बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया देखने में लगेंगे। जिस तरह से आप चीज़ बॉल्स, पनीर बॉल्स मार्केट में खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बन के तैयार होंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें कोट कर देंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, और बनने के बाद तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो हम इन्हें बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक अपम पैन लिया है और मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाया है। इसके बाद हम इन्हें बना लेंगे। और यदि आपके पास अपम पैन नहीं है तो आप इन्हें तवे पर भी सेक सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें पलट लेंगे। तो मीडियम गैस पर ही हम इन्हें सेकेंगे और चारों तरफ से पलट पलट कर सेक लेंगे। और यदि आप एक बार ऑयल लगा लेंगे तो फिर बहुत ही कम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही बढ़िया एकदम गोल्डन से हो गए हैं। और इसी तरह से हम चारों तरफ से इन्हें सेक लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल और हम साइड से इस तरह से ब्रश की मदद से लगा लेंगे। तो इसमें बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है और ये सभी को बहुत पसंद आता है। एकदम नया और बहुत ही बढ़िया नाश्ता बन के तैयार होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन बनकर तैयार हो गई है। तो एक प्लेट पर हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी देखने में लग रही हैं। तो सारे ही हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं इनका कलर कितना बढ़िया आया है और एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। तो हम सारे ही प्लेट पर निकाल लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी देखने में लग रहे हैं। तो इन्हें आप अपने पसंद की चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं, देखने में ही लग रहे हैं। और यदि आप चाहें तो इन्हें आप फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो जाते हैं। और इन्हें आप पहले से बनाकर रख लें फ्रिज में और जब भी आपको फ्राई करना है या इस तरह से बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो इन्हें आप 2 से 3 दिन फ्रिज में रख कर भी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर आप इस तरह से भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा दही ऐड किया है। इसके बाद हरी चटनी इस पर डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने दही और डाल दिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक भी डाल देते हैं। इसके बाद ये बहुत ही बढ़िया देखने में लगेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस समय अभी मार्केट वगैरह बंद चल रहे हैं तो आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और एकदम सॉफ्ट सा अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो ये एकदम नया नाश्ता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें हमने सोया बड़ी ऐड की है तो इसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और रेसिपी पसंद आती है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।